तो चाइनीज बैलून को साक्षी मानकर यूएस ने फिर से एक $2 बिलियन का मिलिट्री एड अनाउंस किया है यूक्रेन के लिए, और इसके साथ है एक नया हथियार जिसका नाम है ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बॉम्ब, जिससे अब यूक्रेन के सोल्जर्स दुगनी दूरी तक हिट कर सकता है जिसका रेंज है लगभग 150 किलोमीटर। और इससे पहले यूक्रेन सिर्फ 77 किलोमीटर तक ही वार कर पाते थे, अब शायद वो एक्स्ट्रा जोश के साथ रशिया के डीप इनसाइड भी अटैक कर दे। इसके अलावा जेलेंस्की के लिए एक और गुड न्यूज आया है फ्रॉम पुर्तगाल। पुर्तगाल के गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने लेपर्ड 2 टैंक भेजेंगे यूक्रेन में। अब वो कितना भेजेंगे ये तो उन्होंने नहीं कहा है, पर मार्च के एंड तक वो अपने 37 टैंक्स में से कुछ यूक्रेन को देने वाले हैं। अब रिसेंटली यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने यह दावा किया है कि उनको अभी तक 12 देशों से कुल 120 से 140 टैंक्स मिल चुका है। अब इसके रिप्लाई में रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल दिमित्री मेदवेदेव ने यह कहा है यूएस जितना वेपन देगा यूक्रेन को वो उतना जल जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये लड़ाई लगभग एक साल पूरा होने को है, क्या लगता है आपको ये लड़ाई कब और कैसे खत्म हो सकता है? प्लीज कमेंट में बताना जरूर।